तो आज बात करते हैं मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर फाइल क्या होता है इन स्पार्क में। इन अपाचे स्पार्क मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर फाइल इज एन ऑप्शन दैट यू कैन यूज व्हेन राइटिंग डेटा फ्रेम्स और डेटा सेट्स टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर आउटपुट फाइल व्हेन सेविंग डेटा इन वेरियस फाइल फॉर्मेट। सबको पता है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में आप डेटा को सेव कर सकते हैं, बी बाय डिफॉल्ट पार्केट होता है, बट आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है, CSV हो गया, डेल्टा हो गया, एवरो हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने सेव करते हैं डेटा डेटा को। ठीक है, इन रियल टाइम सिनेरियो आप डेटा को कभी सेव ही कर रहे होंगे, या तो आप डेल्टा फॉर्मेट में कहीं भी सेव कर रहे होंगे, या फिर आप किसी सिनैप्स या सिनैप्स एनवायरनमेंट में भेज रहे होंगे। सिनैप्स एनवायरनमेंट भेजने से पहले भी आपको कहीं पर डेल्टा फॉर्मेट में सेव करना होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट मूव नहीं करते। अगर आप डायरेक्ट मूव कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि डायरेक्ट मूव करने में क्या होता है ना, डेटा रिफ्रेश भी हो रहा है उसी समय आप मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय दिक्कत हो। इसीलिए हम लोग कॉपी बना के रखते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं किसी एक एनवायरनमेंट में, सिनैप्स या फिर जो भी हो। तो मैक्सिमम बनाने के लिए मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। बाय द वे मैंने डैग वाला रन बता नहीं मैंने वो किया था कि नहीं किया था, तो मैं पहले इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं सोर्स फाइल में डाल दूंगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा ये। और मैं और मैंने आज कुछ किया नहीं क्या, मैंने सिर्फ आज डैग वर्सेस लिनेज वाला ही किया है। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ और मेरा क्लस्टर भी रन हो गया। मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, नोटबुक क्रिएट करते हैं, एक मैक्स रिकॉर्ड फॉर फाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्पार्क सेशन और जो भी है वो आप इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट org.apache, मैं अगर कनेक्ट कर दूँ इसको apache.spark.sql.sparksession, तो val spark equal to sparksession.builder.appname.meet.getorcreate। तो मेरा एक स्पार्क सेशन भी क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो मैंने स्पार्क सेशन क्रिएट कर दिया और किस तरह से इंपोर्ट करते हैं वो भी बता दिया मैंने आप। वाल डेटा क्रिएट कर लो, डेटा क्रिएट कर रहा हूँ एक वैल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूँ। इसमें क्या करोगे, वन को मैं मीट कर दिया, दो को मैं फॉर एग्जाम्पल से यूरी कर दिया, बाकी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा हो गया, यहाँ पे मैंने डेटा इस तरह से क्रिएट कर दिया। वाल कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं इस तरह से, तो मैं सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद एक आईडी कॉमन नेम। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा सेट मान के चलो, या फिर मैं डेटा फ्रेम बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा सेट में क्या डिफरेंट, डेटा फ्रेम होता है डेटा सेट का रो वाला। ठीक है, डेटा सेट में क्या होना है, एक टाइप बोलते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई भी क्लास का मैंने बताया। स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम क्रिएट किया, उसके बाद मैं डेटा बोलूंगा, डेटा तुम्हारा वो है, टू df कर दोगे, इस तरह से करते हैं ये। देखो एक और तरीका है, मैं अगर बताऊं आपको, val df is equal to spark dot create data frame data equal to data comma schema। तो मैं पहले ये वाला करके दिखता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा, दोनों दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से। देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, यहाँ पे इंटीजर आईडी और इंटीजर नेम का, और ये हमारा ये, ठीक है ना, इस तरह से। मैं अगर डिस्प्ले df करूं तो मैं, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहां पे डिस्प्ले df दे सकते हो, मी सयूरी इस तरह से आ गया। तो मेरा डेटा डेटा फ्रेम इस तरह से क्रिएट हो गया। वाल आउटपुट पाथ डाल सकता हूँ, ठीक है, वाल आउटपुट पाथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे इसी कॉपी करता हूँ। ओके, मैं अगर कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी हो गया, चलो ठीक है, यूजर स्लैश, और मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, पाथ डाल दिया, और फिर मैं यहाँ पे डालूंगा वाल मैक्स रिकॉर्ड्स पर फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल 3 डाल दिया, आप 4 जो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ df डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे, मैक्स रिकॉर्ड्स पर फाइल ये पैरामीटर है, इसको मैं डाल दूंगा कहाँ पे, ऊपर जो मैक्स रिकॉर्ड्स पर फाइल है इसका, इसे डाल दूंगा डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है, डॉट csv कर देंगे, csv में पाथ को डाल दूंगा आउटपुट पाथ। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो एरर आना चाहिए मेरे को, ये देखो। ओके एक मिनट को, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं इसको df.write है ना, डॉट ऑप्शन होना चाहिए,
ऑप्शन के अंदर इस तरह से करूंगा, ऑप्शन में डालूंगा यहाँ पे मैक्स कॉर्ड्स पर फाइल, और मैक्स कॉर्ड पर फाइल डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क जॉब्स रन हो रहा है, देख सकते हो स्पार्क जॉब्स रन होने। तो यहाँ पे मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल 3 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर फाइल में क्या करता है ना, तुम्हारा मैक्सिमम रिकॉर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैक्सिमम रिकॉर्ड 10 डाला, तो 10 से ज्यादा आपको एक फाइल में रिकॉर्ड नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये चीज है, कम मिलेगा, कम भी मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं होगा आपका मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल में, ये गारंटी करता है व्हेन कम्स टू आपका यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड पर। तो मेरा मेरा एक एक मिनट रुको, एक कंप्यूटर में फिर से रन करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कोई भी देख लो यार, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा ऑलरेडी डेटा डाल कर रखा था DBFS में, यूजर्स फाइल स्टोर, देखो आउटपुट स्लैश मैक्स फाइल कुछ ऐसा मैंने डाल कर रखा था यहाँ पे, तुम दे सकते हो। एक मिनट में आपको नोटबुक नोटबुक खोल के दिखा देता हूँ तो बेस्ट रहेगा। तो यार एक क्लस्टर रन रन कर देते हैं यार, सीरियसली क्लस्टर रन कर देते हैं ताकि वो रन होता रहे, और फिर इसको अभी देखेंगे। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, मैं यूजर्स में जाऊंगा और यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर फाइल, जब तक वो रन हो रहा है रन रन होने दो। यहाँ पे मैंने कुछ दिखा दो, जो मैंने क्रिएट किया था ये मैंने राम गोपाल किया था, मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर फाइल, और फिर उसके बाद पहले तो इसको कनेक्ट करने दो यार, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर मार देता हूँ, सेलेक्ट रिसोर्स, ओके, अटैच एंड रन। अभी तक स्टार्टिंग नहीं कर रहा है क्या? ओके स्टार्टिंग ही कर रहा है, स्टार्टिंग होने दो यार, थोड़ा टाइम लेगा, मैं थोड़ा बाहर भी गया था फिर भी अभी तक स्टार्टिंग हुआ ही है। बाकी आप कमेंट करें आपको कौन सी सीरीज चाहिए, DSA वाली या फिर कुछ वेब डेवलपमेंट जो चल रहा है, ठीक है। बाय द वे वेब डेवलपमेंट एंगुलर की मैं कोशिश करूंगा, बट द ओनली थिंग इज मैं फोकस करूंगा मोस्ट प्रॉबली इस पे पहले फोकस करने वाला हूँ, फिर मैं फोकस करने वाला हूँ अपना कौन से वाले में, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन DSA पैरेलल। तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ओके रन होने दीजिए। कंप्यूट में जाऊंगा, अगर मैं कंप्यूट में अभी भी रन हुआ वो स्टार्टिंग कर रहा है अभी, ठीक है। एक्टिव कोर्स तो ओके, मैं वर्क स्पेस में जाऊंगा। तो मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल में थोड़ा सा मैं अगर बता दूं ओवरव्यू चल रहा है वो, चलने दीजिए, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज, ये मेरा फाइल है, इसमें मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 डाला, 6 नहीं चल रहा, चलो मैं इसको मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल मैंने 3 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया, ज्यादा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे और मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना कर देता हूँ, मैं सिर्फ 5 रखता हूँ, और इसको भी यहाँ पे मैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं 5 रख रहा हूँ, और ये मोड ओवरराइड किया, ये क्या रामगंगा में अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ओवरराइड। या फिर तुम क्या करते हो, DB यहाँ पे मैंने DB.FS.RM, और मैं अगर ओके ठीक है यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं अगर एक चीज दिखाओ, मैं पहले पहले क्लीन अप कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूँ, DB, RS और RM, मतलब यहाँ पे मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ये ऑलरेडी कवर किया, कहाँ कवर किया, पाइप्स डाटाब्रिक्स वाली सीरीज में। अगर वो फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करने का ना, वो फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, फिर तुमको समझ में नहीं आई क्या कर रहे हैं। सेम चीज आप स्काला में भी कर सकते हैं, स्काला में क्या होगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आई फील लाइक ट्रू स्मॉल में होगा या फिर कुछ ज्यादा होगा, देख लेना, ठीक है। परसेंटेज पाइथन से कर देता हूँ, पाइथन याद है मेरे को, रनिंग कमांड कर रहा है, तो ये रिमूव कर देगा ये, ठीक है। तो मैं रिमूव अगर मैं आपको दिखा दूँ डेटा टाइप में, अभी आदत होगी डेटा में, यूजर्स में जाऊंगा, यहाँ पे रामा का नाम का कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ गए। अब देखो यहाँ पे ऊपर आऊंगा, ठीक है, सेशन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, अब मैं इसको यहाँ पे एक इंपोर्ट कर दिया, सेशन क्रिएट कर दिया। तो मैं डेटा बनाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे डेटा क्रिएट हो गया, अब मैं यहाँ पे मैं सिर्फ 5 रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, 5 रिकॉर्ड। अगर मैं डिस्प्ले DF करूँ, मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल का मतलब क्या है ना भाई, देखो मैंने मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल क्या डाला है, 2, तो 2 से ज्यादा मेरे फाइल में होना नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा मेरे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आउटपुट डाल दिया, मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल DF.write आउटपुट ट्रू, ये अब मैं इसको यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ इस तरह से, बेसिकली मैं पार्केट फाइल रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्केट फाइल किस तरह से, ठीक है, पार्केट फाइल में हो रहा है। अगर मैं आपको अब डेटा दिखाऊं, ठीक है, डेटा देख लेना, DFS यूजर्स में जाऊंगा, रामवागा में जाऊंगा, मेरे 1 2 3 4 5 फाइल हुआ है, ठीक है, सारे पार्ट फाइल है, ठीक है। .parket.parket.parket मैं अगर इसको पास करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक करके मैं एक जगह पे रख देता हूँ, यहाँ पे सेल बना के मैं कमेंट आउट करके मैं एक रख दूंगा, एक ये है, दूसरा मेरे पास जो पड़ा हुआ है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा टाइम ले रहा है पर बेयर करो, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आई फील लाइक, ओके। ये पार्ट फाइल दूसरा डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्टली DF.spark.role पार्केट हो जाएगा, डायरेक्टली भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं यार, डायरेक्टली भी होगा, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक एक फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा,
डायरेक्ट नहीं कर रहा, पार्ट फाइल दो हो गया, ये तीसरा का दो और बाकी है। डीवीएफएस में जाऊंगा, यूजर्स में जाऊंगा, यहाँ पे करूंगे, आखिरी वाला देख लेते हैं। 12 बजने वाला है, ठीक है, तो काम भी स्टार्ट करना है, तो काम स्टार्ट कर दूंगा अभी मैं। तो ये हो गया, अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो मैं किस तरह से करूंगा, वाल df1 spark डॉट रीट लोड, पहले ये वाला उठाएंगे, ये वाला डॉट ऑप्शन हेडर ट्रू, डॉट फॉर्मेट कर दो, डॉट फॉर्मेट मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ। आपको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉलो करो ना करो, बट स्टैंडर्ड एक फॉलो होता है, तो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इसको मैं डिस्प्ले df1 कर देता हूँ भाई, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा, A to Z हम फ्री की सीरीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर कोई फालतू का पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरा आप देखोगे ना, यहाँ पे मीत आया, ठीक है, पहले में मीत आया। हमारा क्या आउटपुट है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा इस फाइल में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मैक्स दो होगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला कर देता हूँ, दूसरे में सही हो रही, और तीसरा यहाँ पे मेरे ख्याल से एक एक फाइल आया, ठीक है, एक एक फाइल आया चलेगा, ठीक है। पर मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल पर बोल रहा हूँ ना तुम्हें, ठीक है, मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल में क्या है ना, मैक्सिमम तुम्हारा तीन से ज्यादा एक फाइल में डेटा नहीं आएगा। बॉब हो गया तीसरा, और चौथा यहाँ पे तो पता चल गया होगा, ठीक है, ये था मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल। स्पेसिफिकली हम मेरे को अगर पार्टीशन करना है, वीडियो पड़ा हुआ है वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आने वाले सेशंस में यार बकेटिंग वकेटिंग सब बताएंगे। इसको आराम से लेकर चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और देखो ईवी आ गया, और की भी नहीं, ईवी इसको कॉपी करेंगे आखिरी में, और इसको मैं एंटर मारूंगा चार्ली। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड पर फाइल में मतलब ना, मैं दो से ज्यादा मेरे एक फाइल में डेटा नहीं आने वाला, दो से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, आपको समझ में आएगा मैक्स रिकॉर्ड पर फाइल क्या होता है। अगले वीडियो में मिलता है।